नमस्कार दोस्तों, मैं फारूक सोलर स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल पे। आज की वीडियो कुछ इस सोलर पैनल पे होने वाली। ये सोलर पैनल देख रहे हैं, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, तो इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन में उसका लिंक शो हो रहा होगा, तो वहाँ से आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम इस सोलर पैनल को मैं निकाल देता हूँ इस बॉक्स में से, और फिर हम इन दो फ़ोनों को, एक फ़ोन और इस टैबलेट को चार्ज करके देखेंगे। तो हम देखेंगे कि इस सोलर पैनल से इस टैबलेट को और इस मोबाइल को चार्ज 5% चार्ज होने में कितना समय जाता है, 5% चार्ज होने में कितना टाइम लगता है इन दोनों को देखेंगे हम। जैसे देख सकते हैं कि ये है हमारा सोलर पैनल, कुछ इस तरीके से आता है, और इसके वायर की लेंथ काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। इसकी एक सेपरेट वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन में इसका लिंक शो हो रहा होगा। एक इसका केबल है, इस टाइप की पिन देखने को मिलती है इसमें, और ये इसमें अटैच कर देने का, तो यहाँ से एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट और ये नोकिया की पिन है जैसे देखने को मिलेगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन दोनों पे स्टॉप वॉच भी लगा दूंगा, तो फिर देखते हैं कि कितना टाइम लगता है 5% चार्ज होने में इस सोलर पैनल से। तो देख लेते हैं, सबसे पहले इस स्मार्टफोन पे ट्राई करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसके दो स्टैंड दिए गए, इसको मैं खोल लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने इसको ऐसे रख दिया। तो ये जैसे देख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर USB को कनेक्ट कर दिया, जैसे आप देख सकते हैं। लेकिन इस पे तो कोई चार्ज का सिंबल आ ही नहीं रहा, इस प्रकार का मोबाइल है, और इस पे ये सोलर पैनल काम ही नहीं कर रहा, जैसे आप ऊपर देख सकते हैं। तो अब मैं टैबलेट पे लगा करके देखता हूँ कि इसमें ये काम करता है कि। तो ये जैसे मैं इस पर अटैच कर देता हूँ, तो हाँ जैसे देख सकते हैं कि चार्जिंग की लाइट भी ऑन हो चुकी है, और यहाँ पर सिम्बल भी आ चुका है, जैसे आप देख सकते हैं, ये जैसे देख सकते। तो हम देखेंगे कि इसको अभी ये 63% चार्ज है, मतलब 68% चार्ज होने में इसको कितना समय लगता है। तो मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ इस तरीके से रख। ये मैंने यहाँ पे स्टॉप वॉच को भी ऑन कर दिया है, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें कोई दूसरा वायर कनेक्ट नहीं किया, जैसे आप देख सकते हैं ये वायर की लेंथ इतनी है कुछ, ये जैसे देख सकते हैं यहाँ पे लाइट ऑन है, और ये जैसे देख सकते हैं इसके पीछे भी मैं बता दूँ तो कुछ भी नहीं है, जैसे आप देख सकते हैं, और ये चार्ज कर रहा है। अब 63% है, और इसको 68% चार्ज होने में, मतलब 5% चार्ज होने में कितना समय लगता है देखेंगे। तो 30 सेकंड और 32 सेकंड तो हो चुके, अब देखते हैं कि कितना टाइम लगता है इसको। और ये 5 मिनट होने वाले हैं, तो मैं इसका रीडिंग देख लेता हूँ 5 मिनट पे। तो ये 5 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे, जैसे देख सकते हैं 5 मिनट पे, तो इसका 1% चार्ज बढ़ा तो नहीं, लेकिन घट जरूर गया, 63 से 62% चार्ज हो गया, जैसे आप देख सकते हैं। तो अब थोड़ी देर और रखते हैं, और 10 मिनट पे इसका रीडिंग चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पे स्टॉप वॉच को ऑन कर देता हूँ, जैसे आप वीडियो में देख सकते हो। जैसे आप देख सकते हैं कि अब 10 मिनट पूरी होने वाली है, तो हम देखते हैं इसका रीडिंग कितना हुआ। तो ये 10 मिनट हो चुकी है, मैंने स्टॉप वॉच को ऑन कर दिया, तो जैसे देख सकते हैं कि 1% भी रीडिंग इसका बढ़ नहीं रहा है, जैसे आप देख सकते हैं कि पूरे 62% ही है। तो और 5 मिनट रख के देखते हैं कुछ फर्क पड़ता है या फिर नहीं पड़ता है। अब जैसे देख सकते हैं कि 15 मिनट पूरी हो गई है, तो हम देखते हैं इसका रीडिंग क्या आया है। तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, तो अब यहाँ जैसे देख सकते हैं कि 1% भी चार्ज नहीं हुआ। करीब 15 मिनट मैंने इसको रख ऐसे ही छोड़ दिया था, लेकिन 1% भी चार्ज नहीं हुआ, कुछ काम का ही नहीं है, देख सकते हैं। उल्टा रीडिंग घट गया है, जैसे
63 मैंने बताया, जब उसका रीडिंग 63% था तो अब 62% हो चुका है, और 15 मिनट के बाद भी 1% भी नहीं बता सकते, इसका कोई यूज ही नहीं है, सिर्फ ऐसे देखने के लिए ही काम आती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंबल आ चुका है, उल्टा ये खुद चार्ज हो रही है इससे, ऐसा लग रहा है। यहाँ तो 1% ये खा गई हमारे सोलर पैनल, इसको तो 1% भी नहीं बता, और उल्टा घट गए जैसे आप देख सकते हैं, इसमें सब उल्टा हो रहा है। 63 था उसका 62 हुआ, 61 हो गया जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। तो बस यही थी वीडियो, ये मोबाइल को तो ये सिंबल भी नहीं ला पाई इस बैटरी को चार्ज होने का यहाँ, तो टैबलेट को तो ये सिंबल तो ला पाए। बस ये आप नोटिफिकेशन लाइट ऑन करना चाहते हैं तो इसको लगा लीजिए तो लाइट ऑन हो जाएगी, और यहाँ पे सिंबल भी आ जाएगा, क्योंकि वास्तव में ये बिल्कुल फेक वस्तु है, इससे कोई चार्ज नहीं होता मोबाइल सोलर पैनल से। करीब 3 वोल्ट का सोलर पैनल तो भी ये 1% भी चार्ज नहीं कर पाई पूरे 15 मिनट में, तो बिल्कुल घटिया चीज़ है ये गैजेट, तो बिल्कुल फेक है ऑनलाइन वालों का, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेड इन चाइना है, तो चाइना जैसा ही काम करेगा ना ये, जैसे आप देख सकते। बस ये पूरी पावर दे रहा है इस नोटिफिकेशन लाइट को, नोटिफिकेशन लाइट जलती रहेगी आपके सोलर पैनल से। तो यही थी वीडियो, सिर्फ मैं देखना चाहता था कि ये चार्ज कर सकती है, करीब 1% तो चार्ज करे, तो इसने तो उल्टा हो 2% गिरा दिया। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हम एक्सपेरिमेंट के साथ लाते रहते हैं, तो मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में।